press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दिलचस्प खबरें, टीवी न्यूज ऑफ द डे। नागिन 6 के लिए फाइनल हुआ इन दो हसीनाओं का नाम, टीवी की सीता ने चूल्हे पर बनाया खाना। आज दीपिका चिखलिया, सिद्धार्थ निगम, उर्वशी ढोलकिया, तेजस्वी प्रकाश और शिवांगी जोशी जैसे सितारों ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। चलिए जानते हैं कि आज कौन सी 5 बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। छोटे पर्दे की दुनिया में कोई ऐसा दिन नहीं आता जब टीवी सितारे लाइमलाइट न बटोरते हों। मौका पाते ही ये सितारे सोशल मीडिया की जान बन जाते हैं। आज भी टीवी की कई हसीनाएं और हैंडसम हंक चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में खबर आई है कि एकता कपूर को अपनी दूसरी नागिन मिल चुकी है। वहीं पर दूसरी टीवी की सीता ने चूल्हे पर खाना बनाकर हम सबको हैरत में डाल दिया है। रोजाना की तरह हम आपको टीवी में घटने वाली 5 बड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं कि आज किन 5 बड़ी खबरों ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। नागिन 6 में हुई कोमलिका की एंट्री। हाल ही में खबर आई है कि एकता कपूर के सुपर नेचुरल शो नागिन 6 के लिए उर्वशी ढोलकिया को अप्रोच किया जा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि उर्वशी ढोलकिया को नागिन 6 के लिए फाइनल कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो उर्वशी ढोलकिया नागिन 6 में एक अहम किरदार निभाने वाली हैं। उर्वशी ढोलकिया नागिन 6 के जरिए 4 साल बाद टीवी पर वापसी करेंगी। तेजस्वी प्रकाश के नाम पर भी लगी मुहर। उर्वशी ढोलकिया के साथ साथ तेजस्वी प्रकाश के नाम पर भी नागिन 6 के मेकर्स ने मुहर लगा दी है। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट की माने तो तेजस्वी प्रकाश नागिन 6 में नजर आने वाली हैं। बिग बॉस 15 खत्म होते ही तेजस्वी प्रकाश नागिन 6 की शूटिंग शुरू करेंगी। टीवी की सीता ने चूल्हे पर बनाया खाना। सोशल मीडिया पर टीवी की सीता यानी दीपिका चिखलिया की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में टीवी की सीता चूल्हे पर खाना बनाती नजर आ रही हैं। फैंस दीपिका चिखलिया का ये अंदाज देखकर हैरत में पड़ गए हैं। सिद्धार्थ निगम हुए बीमार। टीवी एक्टर सिद्धार्थ निगम कोरोना काम में बीमार पड़ गए हैं। सिद्धार्थ निगम को डेंगू हो गया है। तबीयत खराब होने के बाद सिद्धार्थ निगम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाल ही में सिद्धार्थ निगम ने एक वीडियो शेयर करके फैंस को बताया कि वो अब पहले से काफी ठीक हैं। जल्दी बंद होगा बालिका वधू 2। ताजा मिल रही जानकारी की मांगे तो शिवांगी जोशी का सीरियल बालिका वधू 2 जल्द ही बंद होने जा रहा है। गिरती टीआरपी की वजह से मेकर्स ने इस शो को बंद करने का फैसला किया है। तो ये थी आज की टीवी की ताज़ा तरीन खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स द्वारा हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।